रूस पहुंचे सीरिया के राष्ट्रपति असद, परिवार सहित मॉस्को में ली शरण। ईरान बोला असम की सेना ने बहुत जल्द सरेंडर किया, ऐसी उम्मीद नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार का एजेंडा किया पेश, अवैध प्रवासियों को दिखाएंगे बाहर का रास्ता, नाटो छोड़ने का भी विचार। राहुल नार्वेकर होंगे महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, 105 विधायकों ने ली शपथ। विपक्ष ने सीएम फडणवीस से मिलकर डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। पुडुचेरी के पूर्व सीएम रामचंद्रन का निधन, सरकार ने किया 3 दिन शोक का ऐलान, राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली के 2 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, बच्चों को घर वापस भेजा, फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली पुलिस की टीम जांच में जुटी।